स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमिन मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन. सो नेक्स्ट मेथड इज आइसोटोपिक इफेक्ट. द डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स इन द रिएक्टेंट्स इज नोन एज आइसोटोप इफेक्ट. सो एज यू नो, वेरियस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट मे बी प्रेजेंट. सो बिकॉज दे आर हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. But due to the greater mass of the isotope, the reaction gets slowed down. Then this effect is of two kinds. One is primary effect, second is secondary isotope effect. Primary effect is when the bond involving the isotope is being broken in the rate determining step, then it is called primary isotope effect. तो उहदे नाल की असर हुंदा बेटा, जिहड़ा बॉन्ड इनवॉल्वड है, जिवें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है, इफ इट इज़ इनवॉल्वड इन द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, दैन रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी चेंज्ड. सो इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन हाइड्रोजन विद ड्यूटेरियम और विद ट्रिटियम, दैन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट. अच्छा, हुण तिन्नां दे विचों वध किहदे च होगा? हाइड्रोजन दे विच ज़्यादा होगा. हाइड्रोजन लाइटर एलीमेंट है, इहदा सब तो फास्ट रिएक्शन होगी. फिर ड्यूटेरियम दी उस तो घट होगी, उस तो घट ट्रीटियम दा रेट होगा रिएक्शन दा. उन्हां कंपाउंड जिथे कार्बन नाल हाइड्रोजन दी थां ते असीं हाइड्रोजन वालियां सारियां जगह ते जां ड्यूटेरियम ला दिंदे जां ट्रीटियम ला दिंदे. अच्छा, जे तां इन्फ्लुएंस हुंदा रेट ऑफ रिएक्शन, दैन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट. अच्छा, सैकेंड चांस इज द बॉन्ड इज broken in non-rate determining step. ये fast step दे विच नहीं break हो रहा है, कोई होर step जेटा कोई fast step है या कोई moderate step है, वो दे विच carbon hydrogen या carbon deuterium या carbon tritium bond जिथे break हो रहा है, you'll say that is called and it is not influencing the rate of reaction वही रहता है, पामे carbon दे नाल hydrogen लगी होवे या deuterium लग गया होवे या tritium लगे हुए, जे influence नहीं हुंदा तां उन्हों secondary isotope effect करने है या ना मात्री हुंदा है, जे इफेक्ट हुंदा भी है तां. ओके, देन मैग्नीट्यूड ऑफ आइसोटोप इफेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट कॉन्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. सो रेट कॉन्सटेंट आ दिखाए हुए ने थोनों कि के एच अपॉन के डी, जे कंपेयर करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन वैन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड रेट ऑफ रिएक्शन वैन ड्यूटेरियम इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड. सो ए रेशियो है जी, एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन सीन दैट कम्स आउट टू बी 5:8. सो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन 5-8 गुणा फास्ट होंगी है दैन वैन ड्यूटेरियम इज टेकन. सिमिलरली के एच पॉन के टी, इट कम्स आउट टू बी 16. सो ट्रीटियम जो लिया जाए तो वो रेशो के एच पॉन के टी, इट कम्स आउट टू बी 16 तक हो सकती है. सो दिस मीनस कि हाइड्रोजन है जोड़ा वो वध रिएक्टिव है. अच्छा, हूँ यद रेट ऑफ रिएक्शन असं जस्टिफाई कर सकते इन टर्म्स ऑफ देयर डिसोसीएशन एनर्जी. सो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वह जल्दी ब्रेक होंगे, सब तो घट एनर्जी चाहिए उन्होंने ब्रेक करने लिए क्योंकि रिएक्शन तो अगे फिर स्टार्ट होनी है. दैन कम्स कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड, ये डिसोसीएशन एनर्जी कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड तोड़न लिए उस तो ज़्यादा एनर्जी की लोड़ है. दैन कम्स कार्बन ट्रीटियम, ये उस तो भी स्ट्रोंग है. सो कार्बन ट्रीटियम बॉन्ड है जोड़ा वह सब तो ज़्यादा एनर्जी तिना चो कंज्यूम करता है. अच्छा, हूँ जो देखिए कि यह क्यों होंगे, तो जिहड़े बल्की एटम्स ने वो थोड़ी जी एनर्जी जे देंगे द बॉन्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो हाइड्रोजन आ जिहड़ा हल्का होने करके वो छेती वाइब्रेट करके वो ब्रेकेज छेती हो जानी है. सो दिस मीनस इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी. अच्छा, हूँ असी जिवें प्राइमरी सेकेंडरी इफेक्ट कोई देखना है किसी रिएक्शन दे विच, तो वो दस्या होया कि फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन NO2 पॉजिटिव स्पीशीज यू नो इज इनवॉल्व. नाइट्रेशन वेले तुसी लैने हो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों कंबाइन करके NO2 पॉजिटिव HSO4 नैगेटिव तो वाटर बनाते होंगे, तो जिदे अटैकिंग रिएजेंट NO2 पॉजिटिव होंगे विच इज़ एन इलैक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉनस लभ रहे. सो बेंजीन रिंग दे इलैक्ट्रॉन पेयर NO2 पॉजिटिव से अटैक करके वैन दे कॉन्सनट्रेट ऑन वन कार्बन, सो जिहड़ी कार्बन ते इकट्ठे हुंदा इलैक्ट्रॉन कॉन्सनट्रेट करते हैं. सो एक पार्शली नैगेटिव शुरू च होंगी, एक पॉजिटिव होंगी, नैगेटिव वाली साइड से इन्हें ज्वाइन करना NO2 ने
एंड ऑल द पोजिशनज ऑफ बेंजीन रिंग कंटेन वन हाइड्रोजन ईच. सो बेटा जे ड्यूटेरियम चेंज कर देने तो छे पोजिशन से ड्यूटेरियम हो है ना, ट्रिटियम चेंज कर दें तो छे पोजिशन से ट्रिटियम हो. लैट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम ओनली. सो जे तो हाइड्रोजन है तो एनओ टू जो एक जगह पर ज्वाइन हो गया अटैक करता है एक डबल बॉन्ड वाली इलैक्ट्रॉन्स एक जगह इकट्ठे होकर एक कार्बन के तो दूसरी नाल वाली कार्बन के पॉजिटिव आ जाना. तो तीन जगह पर असं दिखाने होंगे पॉजिटिव चार्ज. इट कैन बी प्रेजेंट एट दिस साइड, इट कैन बी प्रेजेंट ऑन लोअर कार्बन, इट कैन बी प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड दिस कार्बन. सो इंस्टेड राइटिंग थ्री इतने इकट्ठी एक स्ट्रक्चर लिखी हुई है कि पॉजिटिव चार्जिज ऑन द बेंजीन रिंग एंड वन हाइड्रोजन एंड एनओ टू ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन वन कार्बन. ओके देन इफ ड्यूटेरियम इज प्रेजेंट देन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन विल शो ड्यूटेरियम एटम. सैकेंड स्टैप है जो अगला स्टैप जी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हाइड्रोजन लीव्स बिहाइंड द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स सो दैट द बेंजीन रिंग मे न्यूट्रलाइज इट्स पॉजिटिव चार्ज ताकि जो दो इलैक्ट्रॉन ने दिते सके एनओ टू लई वो वापस आ जाए. सो दिस हाइड्रोजन इज सबट्रैक्टड बाई एच एस ओ फोर वो जुड़ के बाहर चली जाती है तो रिंग के नाल एनओ टू सबस्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बन जाता है. हुण बेटा इस रिएक्शन से यह देखा गया कि वैन द रिएक्शन टेक्स प्लेस देर इज नो इफेक्ट वैदर वी टेक हाइड्रोजन ऑफ ड्यूटेरियम ज्वाइन टू द रिंग. सो दिस मीनस इट इज़ सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट. जदों हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम नाल फर्क ही नहीं पैंदा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी दोनों च कोई बहुता फर्क नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही है. दिस मीनस इट इज़ नॉट इनवॉल्व इन द स्लो स्टैप. सो यदा मतलब की है कि जो आप स्टैप जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड टुटता कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिस इज़ अ फास्ट स्टैप बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, इट इज़ नॉट चेंजिंग. सो दिस इज़ अ फास्ट स्टैप. यदि मतलब दो ही स्टैप से तो दूजा ही स्लो होना है ना, इस तो पहले वाला जो किया. सो इट मस्ट बी अ स्लो स्टैप. दिस मीनस दिस इज द स्लोएस्ट स्टैप ऑफ द रिएक्शन. सो दिस इज यू से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ एनओ टू पॉजिटिव आयन. सो ये डिपेंड करता है, ये स्लो स्टैप दोनों से डिपेंड करता है, बेंजीन पर भी एनओ टू पर. ओके दैन कमिंग टू द नैक्सट मैथड दैट इज स्टीरियोकैमिकल एविडेंस, जिन्होंने कहने स्टीरियोकैमिकल मैथड कह सकते हो. तो बटे कुछ कंपाउंडस इस तरह के होंगे है जिन्हों के कार्बन है जी वो कायरल कार्बन होंगी है. सम मॉलिक्यूल्स आर कायरल विच हैव सम ऑप्टिकल एक्टिविटी. सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यू नो दे आर विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. सो उन्हां मॉलिक्यूल्स का ही यह करैक्टर है विच कंटेन कायरल कार्बन की होंगी है जिदे चारे ग्रुप्स डिफरेंट लगे होंगे है. कार्बन चार ग्रुप्स चार वैलेंसी है, चार ग्रुप अटैच होने चाहिए है एंड ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट तो उन्होंने तुम कहने कि दिस इज कायरल कार्बन. सो कुछ हूँ जिम्मे एग्जाम्पल दिती हुई है दिस कंपाउंड टू ब्रोमो ऑक्टेन दिस कार्बन इज कायरल कार्बन अदरवाइज स्टेरिक ला के तुम शो करते होंगे कि दिस इज असमेट्रिक कार्बन. इट इज अटैच टू एच सी एच थ्री बी आर सी सिक्स एच थर्टीन. सो चार ग्रुप्स ने चारों डिफरेंट ने. सो वैन दिस प्रोडक्ट इज मेड टू रिएक्ट विद सम हाइड्रोक्सल कंटेनिंग के ओ एच नाल जो इन रिएक्ट करते हो दैन द प्रोडक्ट ऑबटेन्ड ये तुम देख रहे हो कि बी आर इज इन राइट हैंड साइड. जे पहला लिवर रोटेटरी है प्लेन पोलराइज लाइट में लैफ्ट एंटी क्लॉकवाइज करता रोटेट करता है तो जी प्रोडक्ट इतों आती है जिदे विच बी आर की थान पर ओ एच लग गया टू ऑक्टेनोल. सो हुण इत्थे क्योंकि ओ एच नैगेटिव है जिहड़ा वह न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है. सो इत्थे बेटा ओ एच जिहड़ा बी आर नैगेटिव की थान पर आ गया ओ एच नैगेटिव. सो वैन इट वॉज सीन दैट सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट आर लिवर रोटेटरी एंड अदरस आर डैक्सट्रोरेटरी. कुछ लैफ्ट करते राइट न करते जे वे जो प्रोडक्ट से वो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गई. जे पहला लिवो से तो प्रोडक्ट ने उन्होंने दूसरे पास में घुमाया लाइट के प्लेन में. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी हैज़ बिन चेंज्ड. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली इज ड्यू टू डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट
स्टीरियोकेमिकल पोजिशनस है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब है कि उन्होंने जिहड़ियां पोजिशनस ने स्पेस के अराउंड कार्बन दे आर फिक्स दे आर डिफरेंट। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी डिपेंड करती है डिफरेंट ग्रुप्स की डायरेक्शन पर। सो इट वॉज सीन दैट लीवो हैज़ बिन चेंज टू डेक्सट्रो और डेक्सट्रो हैज़ बिन चेंज टू लीवो कंपाउंड। तो हुण इहदे च जस्टिफाई कर सकते हैं दैट द डायरेक्शन ऑफ ओ एच नैगेटिव इन द मॉलीक्यूल हैज़ बिन चेंज आफ्टर द रिएक्शन, कि जिधर बी आर सी लगना तो उत्थे चाहिए सी ओ एच नैगेटिव पर उत्थे लग्या नहीं गा। सो एक ऑप्शन की होनी सी कि बी आर पहला बाहर चलिया जाता तो एक कार्बोकटाइन बनता जिद तीन ग्रुप लगे होंगे एच सी एच थ्री सी सिक्स एच थ्री। सो ये मतलब जे आ दो ग्रुप्स आप ना दिखाइए तो इट शुड हैव बिन इस तरह का तीन बॉन्ड्स वाला एस पी टू हाइब्रिड कार्बन वाला इस तरह कार्बोकटाइन पहला बनना चाहिए सी। इफ दिस ग्रुप वॉज नॉट देयर इफ दिस ग्रुप वॉज नॉट देयर तो फिर पॉसीबिलिटी सी कि ओ एच नैगेटिव है जोड़ा दोनों पास लग सकता सी। तो टेट्राहेड्रल जी आ जोमैट्री असी दिखाई है हूँ प्रोडक्ट के लैफ्ट हैंड साइड पर दिखा रहे हैं तो कुछ मॉलीक्यूल लैफ्ट होना चाहिए सी कुछ के राइट पर होना चाहिए सी क्योंकि आह प्लेनर सी। बट नाउ इट हैज़ बिन सीन दैट ओ एच ग्रुप इज अटैच टू द अदर साइड ऑफ द टू ब्रोमो ऑक्टेन मॉलीक्यूल। सो इतें ओल्ड डायरैक्शन चो कर रहा है इधर बी आर है तो यह अटैक इतों कर रहा फ्रॉम दिस साइड। सो इस करके स्ट्रक्चर है जी आ बनाई हुई है कि कंसर्टेड मकैनिज्म है ये ये नहीं है कि पहला बी आर टुट गया तो फिर ओ एच लग गया। द मकैनिज्म गिवन ऑन दिस बेसिस इज दैट देर इज़ नॉट कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ बी आर नैगेटिव। सो इस तरह का सिस्टम होया कि बी आर टुटना शुरू हो गया तो ओ एच नैगेटिव है जोड़ा वो नाल जुड़ना शुरू हो गया तो इस तरह की पेंटाविलन ट्रांजिशन स्टेट बनी होनी है तो जिद तो बी आर अखीर न अलग हो गया तो मॉलीक्यूल ने फिर फेर करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के चार बॉन्ड्स 109.5 वाले एंगल्स से उस एडजस्ट कर ले टेट्राहेड्रल मॉलीक्यूल बन गया। बट द ज्योमेट्री हैज़ बिन चेंज्ड जिहड़ी डायरेक्शन से जिस तरह अम्ब्रेला होवे जिहड़ा तुसीं हैंडल उहदा फड़दे हो तो उपर छतरी हुंदी है। सो से कि दिस बी आर इज हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला तो ओ एच है जिहड़ा उपरों आके लग गया थोड़ी छतरी इनवर्ट होगी है ना अखीर ते जाके ओ एच है जिहड़ा उपरली साइड लगे तो थला बी आर तुसीं थला डंडा तोड़ता तो उत्तों नवा लाता। सो इनवर्ट होगी अम्ब्रेला थोड़ी है ना सो उल्टी होगी पुट्ठी होगी। सो दिस इज़ नोन एज इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सो जी आ टर्म दिती हुई है दिस इज़ कॉल्ड इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन जिद स्टीरियोकमिस्ट्री मॉलीक्यूल की इस तरह चेंज हो जाती है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी है जी बिल्कुल ही उल्ट हो जाती है ऑपोजिट हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ कैन वी कम टू नो अबाउट द मकैनिज़म के जोड़ा ये मकैनिज़म है दिस इज़ इनू एस एन टू मकैनिज़म कहने जोड़ा कंसर्टेड मकैनिज़म है दिस इज सिंगल स्टैप मकैनिज़म कार्बोकटाइन नहीं बनता। सो ट्रांजिशन स्टेट बनती है दोनों पासों अटैच होकर एक जोड़ा जा रहा आउट गोइंग ग्रुप है तो इनकमिंग ग्रुप है साइमल्टेनियसली दोनों अटैच हुए हुए हैं विद कार्बन। सो अल्टीमेटली द लिविंग ग्रुप गोज विद इलैक्ट्रॉन पेयर तो ओ एच नैगेटिव ये जुड़ जाता एंड देर इज इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सो दिस इज एस एन टू सो आ लिखा हुआ दिस इज कॉल्ड एस एन टू मकैनिज़म राइट। सो विद दिस द टॉपिक ऑफ अवर यू से रिएक्शन मकैनिज़म ऑल देर वर सिक्स टॉपिक्स। सो आई होप यू विल डू ऑल दीज टॉपिक्स देन विल टेक योर टेस्ट।